हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर 1 का पार्ट 3 के क्वेश्चन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेस्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने आपको लास्ट वीडियो में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें उस कंसेप्ट पर थोड़ी क्लैरिटी बन जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट मींस इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो याद है क्या क्या क्लॉजेस होते हैं। जैसे ही आपके पास एक कंसेप्ट आया, बाकी क्लॉजेस को भी याद करना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों को वो चीजें भी याद रहें। जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो आपके पास कोई जो है सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाती, कोई कमीशन नहीं दी जाती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करा जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करा जाता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में इक्वल होती है और आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर को वो 6% पर एनम के बेस पर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पार्टनरशिप डीड है, प्रोवाइड दैट प्रेम वॉज टू पेड सैलरी 2500 रुपीज पर मंथ। तो प्रेम को सैलरी दी जानी है, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा गया है 2500 पर मंथ सैलरी दी जानी है। तो इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एनुअल सैलरी पता लग सके। एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 रुपीज पर एनम। तो उसकी कमीशन आपको कैलकुलेट दे रखी है, दैट इज पर एनम। IOC that means interest on capital at the rate of 5% per annum and IOD that is interest on drawing was to be charged at 6% per annum. Interest on Prem's drawing was 1250. लीजिए, आपको पहले से ही interest on drawing calculated दे रखा है तो आपको कोई interest on drawing की calculation नहीं करनी पड़ेगी। And Manoj की drawing पर जो interest है वो 425 rupees है। Capital of the partners were 2 lakh and 1,50,000 respectively and capitals are fixed. अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको जितनी भी एंट्रीज पास करनी होती है वो करंट अकाउंट के बेस पर करनी होती है। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर 90,575 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि पीएनएल की जो एक्सटेंशन होती है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होती है। तो पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है वो आपका डेबिट साइड पे बचता है, तो ये क्रॉस ट्रांसफर होकर आपके पास यहां ट्रांसफर हो गया 90,575। आपको ये भी बताया गया था कि पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी वो आइटम्स आती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास वो आइटम्स आती हैं जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। दैट मीन्स इफ देयर इज अ प्रॉफिट यू हैव टू मेक और यू हैव टू मेक एप्रोप्रिएशन फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अदरवाइज लॉस के केस में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम जर्नल एंट्री कर जो लॉस है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड में। कभी कभी आपको ये भी गिवन होता है कि सैलरी इज अ चार्ज, तो फिर आपको चार्ज की तरह से उसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखिए, फिलहाल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करा हम लोगों ने, पहले तो पीएनएल अकाउंट से ये प्रॉफिट आ रहा है तो पीएनएल अकाउंट का आप नाम लिखेंगे 90,575। अब जिस जिस चीज से ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो इसी साइड पर लिखा जाएगा, और जिस जिस चीज से ये प्रॉफिट कम होगा इसकी अपोजिट साइड पे लिखा जाएगा। नॉर्मल रूल है, क्योंकि अगर आप यहां पर वो चीजें लिखेंगे जो इसे कम कर रही हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप पार्टनर्स को इस प्रॉफिट में से कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो उससे ये प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए आपके पास ये सब चीजें जो पार्टनर को दी जा रही हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रही हैं। तो आपको कहा गया था कि प्रेम को आपने सैलरी देनी है 2500 पर मंथ, तो दे दीजिए। और ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है तो वी राइट प्रेम्स करंट अकाउंट, अदरवाइज वी राइट प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रेम के करंट अकाउंट में ये चीज जाएगी, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप सैलरी है 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 30,000। फिर आपको मनोज को कमीशन देना था, दैट इज 10,000 रुपीज पर एनम हियर। तो यहां पर आप लिखेंगे टू मनोज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कमीशन 10,000 रुपीज। और क्या दिया जाना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये दिया नहीं जाता, पार्टनर से लिया जाता है, इससे फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि इस प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा इसलिए इस साइड ही आएगा, तो यहां लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
प्रेम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेटेड दे रखा था 1250 और मनोज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको कैलकुलेटेड था, दैट मीन्स 1675 आपके प्रॉफिट को और इंक्रीज कर देगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से चार्ज की जानी है तो आपको कैपिटल्स गिवन थी 2 लाख रुपीज और 1,50,000। अच्छी बात यह है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है तो इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। किस तरीके की एडजस्टमेंट, हम आप लोगों के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल पर लगाया जाता है, लेकिन फिक्स कैपिटल के केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता इसीलिए कभी भी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए 2 लाख रुपीज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%, तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपीज और 1,50,000 का 5% दैट इज 7,500 रुपीज, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रेम्स करंट अकाउंट, मनोज करंट अकाउंट, दैट इज 17,500। अब आपके पास जितनी भी चीजें आपको पोस्ट करने को कही थी आपने कर दी, अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ये प्रॉफिट है इसे टोटल कर लीजिए, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपके पास 92,250 बन रहा है और यहां पर अगर आप टोटल करेंगे तो ये कम ही है आपके पास, दैट मीन्स आपके पास प्रॉफिट बच ही रहा है एंड दैट प्रॉफिट जो आपके पास दिस माइनस दिस करके आया है 34,750, दैट इज टर्म्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट। सब कुछ देने के बाद, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, उनकी सैलरी, उनकी कमीशन देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो प्रेम और मनोज में 34,750 किस रेशियो में डिवाइड करा गया, आपको क्वेश्चन में गिवन था 2:1 उनकी आपस की रेशियो है, सॉरी 3:2 उनकी आपस की रेशियो है, तो उस रेशियो में आप उन्हें ट्रांसफर कर दीजिए, दैट मीन्स 34750 का 3/5 प्रेम को एंड 2/5 मनोज को। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, कैलकुलेशन वर्क तो आप लोग कर ही सकते हैं, मेन आप लोगों के लिए समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं और क्या चीज कहाँ आती है और क्यों आती है। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज वर ए 10,000, बी 5,000 रुपीज एंड सी का 2,000 रुपीज डेबिट में है, यानी नेगेटिव में है आपके पास। तो यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन से क्लियर हो रहा है कि जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म वो कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल कर रही है कैपिटल के लिए, इट्स अ फिक्स्ड मेथड, राइट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल आईओसी, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है आप लोगों ने 10%। सी बींग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, तो सिर्फ सी को सैलरी दी जानी है। प्रॉफिट्स वर टू बी डिसाइडेड एज द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा उसमें से जो पहले के 20,000 रुपए होंगे उन्हें आप कैपिटल की रेशियो में डिवाइड करोगे। अगर फिर भी बच जाता है आपके पास प्रॉफिट नेक्स्ट 30,000, दैट इज इन द रेशियो 5:3:2, और उसके बाद भी अगर रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया तो उसे आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग अबव आइटम्स, यानी इसमें से कोई भी आइटम अभी तक चार्ज नहीं की गई है। यू हैव टू मेक अ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब फिक्स कैपिटल का केस होता है अभी हमने आपको बताया आपको आईओसी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना होता है। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल में चेंजेस आए ही नहीं होते जनरली, तो इसीलिए अगर आए होते तो क्या होता, विड्रॉल ऑफ कैपिटल या आपको एडिशनल कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन होता, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स आपकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो जो आपके पास यहाँ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, दीज आर योर ओपनिंग कैपिटल, तो आप इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लेंगे। 10% की रेट आपको गिवन है, 50,000 का 10% 5,000 रुपीज, सिमिलरली 5,000 रुपीज एंड 1 लाख का 10% दैट इज 10,000 रुपीज, राइट। अब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास सबसे पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे और किस नाम से, P&L अकाउंट से, क्योंकि P&L अकाउंट से आपके पास क्रॉस आ रहा है तो उसी अकाउंट का नाम आता है आपके पास। इसमें से क्या क्या चीजें दी जानी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है जो अभी हमने कैलकुलेट करा था, दैट इज अबाउट 20,000 रुपीज, और सैलरी देनी है आपने पार्टनर्स को, और ये सब कब कहां जाएंगे, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में नहीं, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। अगर फिक्स नहीं होती तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, ये सारी चीजें इन लोगों को इनके कैपिटल अकाउंट में मिल जाती।
तो सैलरी भी देनी थी आपने सी को, 12,000 रुपीज सैलरी दे दीजिए। अब देखिए 1,72,000 रुपीज आपका प्रॉफिट था, जिसमें से 32,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद आपके पास कुछ और नहीं देना पार्टनर्स को, जो भी प्रॉफिट बचा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, यानी अब वो प्रॉफिट प्रॉफिट के तौर पे जाएगा, यानी किसी और सैलरी या आईओसी के तौर पर उसे नहीं जाना। अब इस 1,40,000 में हमें कंडीशंस मेंशन थी कि जो पहले के 20,000 है उसे कैपिटल रेशियो में, एंड कैपिटल इज 50,000, 50,000 and 1,00,000। तो आप देखिए कॉमन जीरोस जो है काट लीजिए, 5, 5, 10 आपके पास आ जाएगी रेशियो, और 5, 5, 10 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1:1:2। तो ये 20,000 रुपीज तो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 1:1:2 में। अभी भी 1,40,000 में से अगर 20 निकाल दिए जाएं तो 1,20,000 आपके पास रिमेनिंग है। तो उसने क्या कहा था कि जो नेक्स्ट 30,000 रुपीज है उन्हें 5:3:2 की रेशो में, तो हमने 30 भी निकाल लिए। उसके बाद भी आपके पास जो प्रॉफिट बचा दैट इज 90,000, उसे कहा गया था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो 20,000 को हमने 1:1:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया, दैट इज 1/20,000 का 1/4 ए को, 1/4 बी को एंड 2/4 सी को, एंड सिमिलरली 30,000 का 5/10 ए को, 3/10 बी को एंड 2/10 सी को। यहां पर आपने 90,000 इक्वली डिवाइड कर दिए, दैट मीन्स ए को टोटल 50,000 रुपीज, बी को टोटल 44,000 रुपीज एंड सी को टोटल 46,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो गया, एंड दैट इज योर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू सो मच गाइज।